और मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स मेरठ में कैटराइट कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, दिवाली सीजन में इंडिया में पटाखे तो बच्चे चलाते ही हैं, दिवाली का मतलब ही बच्चों के लिए पटाखे है, पर पटाखों में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा हर दिवाली के सीजन में देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान के साथ बच्चे आते हैं, कई बार आंखों में इतनी ज़्यादा इंजरी होती है कि किसी भी तरह से उसकी आंख को बचाया नहीं जा सकता। इसलिए सबसे पहले तो बच्चों को पटाखे चलाते समय ट्रांसपेरेंट वाइजर्स आते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव गॉगल्स होते हैं, वो ग्लासेस पहना है। वो ग्लासेस बच्चे अपने आप पहन लें तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर कभी भी बच्चे की आँख में किसी भी तरह का बारूद या कोई भी तरह का पटाखा का कोई भी कण चला जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फायर क्रैकर इंजरी थर्मोकेमिकल इंजरी होती है, यानी कि इसमें जो आग या टेम्परेचर की वजह से नुकसान होता है वो भी है, प्लस साथ में जो बारूद आँख के अंदर रह जाता है पलकों के अंदर उसकी वजह से नुकसान होता रहता है और पुतली या आँख की सतह जलती रहती है और गलती रहती है। इसलिए सबसे पहले बच्चे को पलंग पे लेटाएं या कहीं जमीन पर लेटाएं, जोर से फोर्सिबली उनकी दोनों पलकें खोलें, आँख को जितना ज़्यादा चौड़ा करके खोला जा सकता है उतना अच्छा है, और फ्रेश ठंडा पीने का पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एक पतली धार से थोड़ा सा ऊंचाई से, करीब 1 फुट की ऊंचाई से पुतली के ऊपर डालते रहें। ऐसा 15 से 20 मिनट कम से कम करना चाहिए, आइडियली आधे घंटे के लिए करना चाहिए। इससे इस पानी की धार से एक तो जो बारूद होता है वो बह जाता है, दूसरा जो तेजाब के जैसा रिएक्शन होता है आँख के अंदर उस केमिकल से वो खत्म हो जाता है और जो नुकसान है वो काफी कुछ वहीं रुक जाता है। ये करने के बाद जो दूसरा काम आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर पलक को पलट के आप देख सकते हैं और उसके नीचे अगर आपको कोई भी बारूद या पार्टिकल्स दिखाई दें तो उन्हें कान साफ करने वाली रुई से साफ कर दें। इसके बाद जल्द से जल्द अस्पताल जाएं और बच्चे की जांच कराएं। हैव अ सेफ दिवाली।